सिलसिला। राजपुर की जोबट से जहां पर जोबट मार्केटिंग में लगाया गया लाखों के रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप। बीते दिनों जोबट मार्केटिंग में पार्षद पति कालिका ने संस्था प्रबंधक के द्वारा निर्माण कार्य एवं टेंडर प्रतिक्रिया में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए दिनांक 15/10/2020 विपणन सहकारी समिति के अध्यक्ष महोदय से टेंडर एवं भंगार बिक्री की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन समिति के द्वारा जानकारी नहीं दी गई। पेश की शिकायत संयुक्त पंजीयन महोदय इंदौर संभाग में शिकायत पत्र के द्वारा शिकायत की गई, लेकिन वहां से भी कुछ कार्यवाही नहीं हो पाई। फिर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को 19/10/2020 को इस भ्रष्टाचार की खबर शिकायत पत्र के द्वारा की गई, लेकिन अभी तक वहां से भी कुछ कार्यवाही नहीं हो पाई। शिकायतकर्ताओं का कहना यह है कि मार्केटिंग द्वारा भंगार बिक्री की टेंडर प्रक्रिया में धांधली करके अपने चैत्य को खुलेआम लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया। वहीं 2 से अधिक वर्षों से 20 से 30 लाख रुपए की गोडाउन बाउंड्री वाले एवं लोहे के गेट ऐसे कई निर्माण कार्य किए गए जिसमें टेंडर से प्रतिक्रिया की नहीं गई, जबकि यह संस्था अर्धशासकीय एवं शासन के नियमों के अनुसार 2 लाख से अधिक निर्माण कार्य के टेंडर चाहे शासकीय हो या अर्धशासकीय, यहाँ सब शासन के नियमों के अधीन है। जब हमारे रिपोर्टर ने वहाँ के प्रबंधक अशोक वाणी से निर्माण कार्य की पूछताछ की तो उनके द्वारा असंतुष्ट जवाब दिया गया। वो बताया गया कि शासन के द्वारा हमें कुछ सहायता ही नहीं दी जाती है, हमारी संस्था के संचालक मंडल के द्वारा खुद निर्णय लिया जाता है, निर्माण कार्य की सामग्री संस्था को खरीदना पड़ता है। वहीं शिकायतकर्ताओं का कहना यह है कि प्रबंधक द्वारा शासन के नियमों को ताक में रखकर वहां की चयनित सामग्री द्वारा कार्य एवं निर्माण किया गया है। राजधानी समाचार के लिए जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। संस्था में गोदाम गेट बनाया था, गोदाम गेट है। ये गेट क्या कितने लाख का था? गेट करीब 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब। गोदाम तो मैं देख के बता दूँ मैं आपको। और दूसरा क्या, ये दीवार बनाई जो पूरी दीवार भी बनाई है वही, ये कितने लाख की थी ये देख के बता दिया जाएगा। आपको आइडिया नहीं आपको बनाया तो? इनके टेंडर प्रक्रिया क्या करते हैं? संस्था स्वायत्त संस्था है और संस्था ने खुद सामान खरीद के बनाया। संस्था को कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती शासन से। संस्था का संचालक मंडल सक्षम है, संचालक मंडल की बैठक में निर्णय करके और कार्य किया जाता है। अभी अलियाजपुर में एक मामला हुआ, नगर पंचायत अध्यक्ष ने एक निर्माण कर दिया था बिना टेंडर प्रक्रिया के, तो सीएमओ को दोषी माना गया था, नगर पंचायत अध्यक्ष पद से वो कर दे पृथक, इसकी जानकारी मुझे नहीं। तो आप बिना टेंडर प्रक्रिया के कर ही सकते हो, संस्था कर सकती है? संस्था की अपनी स्वयं की पूंजी है ना, शासन से उसको कोई एड नहीं मिलती है, संस्था स्वतंत्र है, संचालक मंडल स्वतंत्र है ना। हाँ, संस्था को शासन से वित्तीय थोड़ी रहता है। कितने लाख का है तो बता दीजिए आप। अभी तो ये अभी करवाए साहब तो पूरी। हाँ, मैं देखूंगा बताऊंगा। किसी चीज़ का कीमत ध्यान नहीं है? नहीं, आप अचानक पूछोगे तो क्या ध्यान रहेगा। चले मैं रुक जाता हूँ एक घंटे बाद। लालू भाई, आपने भी मार्केटिंग की शिकायत की थी बंगार के बिना टेंडर, क्या था पूरा मामला? सब पूरा मामला ये था कि इसमें जोबट प्रबंधक द्वारा एक नई दुनिया पेपर में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की थी जिसकी सूचना मुझे हुई, तो मैं यहाँ के प्रबंधक श्री अशोक वाणी जी के पास गया और उनसे मैंने पूछा, भैया क्या बात है? बोले भंगार यहाँ बिकना है, तो उसमें कुछ इंदौर की पार्टी भी आई हुई थी वहाँ पे, वो इंदौर की पार्टी को पूरा भंगार बता रहे थे कि हमारे ये सामान है सब बिक्री के लिए रखा हमने विज्ञप्ति में। तो मैंने भी अपना आवेदन किया उसमें, तो जिसके द्वारा इन लोगों ने क्या किया पता नहीं, किस किस के टेंडर बोले और हमारे भी टेंडर लगे हुए थे जोबट के भी। तो उसमें मैंने फिर श्रीमान प्रबंधक महोदय से 15/10 को अपना एक आवेदन दिया कि श्रीमान मैंने भी अपना टेंडर डाला था इसके अंदर, तो उसमें मुझे क्या हुआ? तो बोले संबंधित को हमने इसको 22 रुपये 50 पैसे किलो के हिसाब से हमने इसको भेज दिया। तो फिर मैं श्रीमान प्रबंधक महोदय के पास गया और उससे मैंने जानकारी मांगी कि श्रीमान मेरा भी आवेदन था और हमें बुलाए बगैर आपने आवेदन और टेंडर किसे दे दिया? तो बोले हमारी मर्जी, हमको किसको देना किसको नहीं देना, बोले आपका टेंडर तो कैंसिल हो गया। तो मैंने प्रबंधक महोदय को 15/10 को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसके अंदर मैंने ये लिखा कि भैया आपने यहाँ पर टेंडर दिया तो किस किस को टेंडर दिया इसकी मुझे छाई पड़ती चाहिए।
तो श्रीपान आज 2 माह हो गए मुझे आज इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके पश्चात मैंने प्रबंधक महोदय से पूछा कि भैया इसके लिए मुझे क्या है, तो बोला आपको जो भी काम है वो अध्यक्ष महोदय से पूछिए। फिर मैंने 19 तारीख को श्रीमान कलेक्टर महोदय और श्रीमान जोबट अनुभाग अधिकारी को इसका आवेदन दिया, जिसकी जांच क्या करी क्या हुआ आज तक मुझे इसके बारे में गुमराह किया जा रहा है। अब इसके लिए मैं आगे हुआ तो आगे भी इसकी सूचना और करके और इसकी मैं शिकायत आगे भी करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम काले खां सरफुद्दीन है, मैं जोबट का निवासी हूँ। जोबट का निवासी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।